तो वहीं हिमाचल विधानसभा से 15 बीजेपी विधायकों को निष्कासित किया गया है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा में भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने जयराम ठाकुर समेत 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। विधायकों को निष्कासित करने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पास किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कार्रवाई के दौरान 15 बीजेपी विधायकों को निष्कासित किया गया। विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी और इसी दौरान विधायकों की ओर से हंगामा किया जा रहा था। जब हंगामा बढ़ता चला गया और स्पीकर के कई बार समझाने के बाद भी वो नहीं माने, तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत स्पीकर ने 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। जमकर हंगामा हो रहा था कार्रवाई के दौरान। विधायकों को निष्कासित करने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पास किया गया। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल एक साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे। तो एक ओर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आरोप लगा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार पर कि काम नहीं किया जा रहा है, तो वही हर्ष महाजन ने कहा है कि सुक्खू की सरकार गिर चुकी है और उनके पास उचित विधायक भी नहीं है, इसीलिए विधायकों को बर्खास्त किया गया। भाई साहब, कांग्रेस की सरकार गिर रही है, ये प्रयास हो रहे हैं कि इनको थोड़ा सस्पेंड किया जाए, इनको कुछ ये किया जाए। डिले टैक्टिक्स होता है ना, यार विधानसभा में होता है कि आज ये सस्पेंड कर दिए, कल वो इधर आ जाएंगे, कल वो इधर। तो कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी। तो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर खतरा गहरा गया है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू पर अनदेखी और अपमानित करने का आरोप लगा दिया। हिमाचल विधानसभा से 15 बीजेपी विधायक निष्कासित कर दिए हैं, जैसा कि खबर हमने आपको बताई। जयराम ठाकुर को भी विधानसभा से निष्कासित किया गया। नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर, विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी और इस दौरान जब विधायकों की ओर से हंगामा किया गया तो स्पीकर ने बहुमत के साथ निष्कासन का फैसला किया। जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष को भी विधानसभा से निष्कासित किया गया है। तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को, जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं, और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। और अब बात